नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर शुरू हो गया है। अभी लगातार दिसंबर तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। ऐसा जो HSSC के चेयरमैन हैं भोपाल सिंह ने कहा है कि लगातार दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे, तो अपनी तैयारी को जो है मतलब अच्छे से आप कमर कस लो, क्योंकि हर दिन एग्ज़ाम होगा। अभी तो आपका जो टारगेट है वो अचीव करने का टाइम अप आ गया है। आज का बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है स्पेशल हरियाणा GK का। हरियाणा में आरंभ हुआ देश का पहला ग्रेन ATM, जो अनाज का ATM अभी लगा है उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके साथ साथ 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे और इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, करते हैं शुभारम्भ। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, बस वह ही आपका परिचय देंगे। तो अभी आप अच्छे से स्टडी करके सिलेक्शन लेंगे तो आने वाले टाइम में आपका जो है वर्चस्व या आप बोल सकते हो प्रकाश दूर दूर तक फैलेगा। ऐप डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर सभी प्रकार के नोट्स PDF के रूप में अवेलेबल हैं फ्री में। हरियाणा करंट अफेयर, हैंड रिटन हरियाणा GK, तमाम चीज़ें इसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सारे नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो अभी विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला ग्रेन ATM या फिर अनाज का जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ग्रेन ATM हरियाणा के किस जिले में खोला गया है? गुरुग्राम, पानीपत, भिवानी या फिर करनाल? तो राइट आंसर आपका क्या है, आप सब जानते ही हैं, गुरुग्राम राइट है। ये जो है गुरुग्राम के फरूक नगर के अंदर खोला गया है, ठीक है, गुरुग्राम के फरूक नगर के अंदर इसको स्थापित किया गया है ग्रेन ATM को, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको, ठीक है, कितना ये आगे कामयाब होता है सारी चीज़ें हैं। ग्रेन ATM खोलने का एक तो महत्व ये क्या है कि इसमें जो भी अनाज को मतलब देते हैं डिपो जो हैं वो इसमें कोई हेराफेरी ना करें, उन जो भी लाभार्थी हैं उनको प्रॉपर रूप से अनाज मिले, सारी बातें इसीलिए जो है की गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल के साथ देखते हैं। ये फरूक नगर के स्थापित किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? डिप्टी CM ने। तो डिप्टी CM कौन है? दुष्यंत चौटाला, ठीक है। कौन से नंबर के डिप्टी CM है? छठे नंबर के, ठीक है, छठे नंबर के डिप्टी CM है। पहला डिप्टी CM था चांदराम झज्जर से, ये भी आपको ध्यान रखना है, समझ आ गया। इसका उद्देश्य क्या है, इस ग्रेन ATM का उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य क्या है भाई इस ग्रेन का? राइट क्वालिटी, टू राइट बेनिफिशरी, ठीक है, मतलब जो लाभार्थी जिनको जो चीजें मिलनी चाहिए, जो अनाज मिलना चाहिए उनके लिए, राइट क्वालिटी टू राइट बेनिफिशरी, ये इसका उद्देश्य है। बायोमेट्रिक के द्वारा ये संचालित किया जाता है। बायोमेट्रिक तो पहले भी स्टार्ट कर दी थी, उनको जो एक डिजिटल टोल के लिए दिया गया था उसके साथ साथ एक मशीन दी गई थी बायोमेट्रिक के माध्यम से, लेकिन अभी ATM के माध्यम से जहाँ से पैसे निकलते हैं, जहाँ से पानी निकल, वाटर ATM भी यहाँ पर लगाया गया है हरियाणा के अंदर, वो भी हम सारे क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर आप अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपके 6-7 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके अंदर हम गुरुग्राम से ये शुरुआत हुआ है, राशन डिपो में अनाज जो कम तोला जाता है उससे जो है मुक्ति मिल जाएगी लोगों को, लाभार्थियों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा क्योंकि 5 मिनट में जो है 70 किलो तक अनाज इसमें निकलता है, बायोमेट्रिक सिस्टम से ये निकाला जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं होगी। और हरियाणा आरंभ करने वाला देश का पहला ऐसा स्टेट है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए और हम अच्छे से क्वेश्चन कर लेते हैं, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक की बात करते हैं, ठीक है, हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक, तो ये
दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, हरियाणा का पहला खाद्य बैंक। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला वोटर एटीएम। हरियाणा का पहला जो है, हम बात करें स्टील बैंक, ठीक है। हरियाणा का पहला, या पहला ये पहला गेहूं जीन बैंक। और हरियाणा का पहला थैला बैंक। सारे क्वेश्चन देख लो भी अच्छे से। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक तो पीजीआई रोहतक के अंदर, ठीक है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक, खाद्य बैंक गुरुग्राम के अंदर। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, खाद्य बैंक के यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा अनाज व कपड़ा, तो फिर आपको पानीपत करना है, ठीक है। हरियाणा का पहला वोटर एटीएम तो ये गुरुग्राम के अंदर लगाया गया है, वोटर एटीएम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला वोटर एटीएम आपसे पूछ ले तो कहाँ लगाया गया है, ये गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया भाई। मारुति सुजुकी जो इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा ये स्थापित किया गया, कासन गांव के अंदर गुरुग्राम में। स्टील बैंक की हम बात करने वाले हैं, स्टील बैंक, तो स्टील बैंक भी जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, स्टील बैंक और जो थेला बैंक हैं ये दोनों गुरुग्राम के अंदर। और जो आपका गेहू जीन बैंक है ये करनाल के अंदर है, ठीक है, करनाल, जहाँ एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, कौन सा एटीएम, वोटर एटीएम, ज़्यादातर गुरुग्राम के हैं इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही टॉपिक आपको मैं कंटिन्यू करवाता रहूँगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लें, टेलीग्राम में @TargetWithGoswami इससे जुड़ जाएं पीडीएफ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।